स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं डाटा मैट्रिक्स हेयर के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मैं इस शेयर में एक बहुत अच्छा शेयर है, लोगों को काफी अच्छे टर्न दिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं आपको दिखा दूँ, ये शेयर काफी टाइम से कंसोलिडेशन फेस में था। लगभग ये वाला जो रेंज थी इसकी 255 रुपए से लेकर के और ये वाली 363 रुपए के बीच में इसने काफी स्ट्रगल किया है। स्ट्रगल कह सकते हैं, बार बार टकराया है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट फिर रेजिस्टेंस, सपोर्ट फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर सपोर्ट, फिर कुछ टाइम साइडवेज हुआ, उसके बाद देन ब्रेकआउट देखने को मिला। तो अभी ब्रेकआउट अच्छा ब्रेकआउट है, काफी टाइम है, काफी रिटर्न आपको मिल सकता है। तो अभी मैं आपको बताऊँ कि इसने अभी हाल फिलहाल यहाँ क्या रेट थी, ये डेट है 28 अप्रैल, 28 अप्रैल से लेकर के देन आपको इसने 75% रिटर्न दिया लगभग 20 दिन में। तो लगभग पैसा आपका डबल होने के कगार पर। तो अभी मेरी क्या सलाह है, मेरी सलाह ये कि आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। और खरीदारी करने के लिए मैं बता दूं आपसे क्या जो स्थिति होने वाली है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ₹490 के आसपास के स्टॉप लॉस के साथ इसमें खरीदारी करें, क्योंकि स्टॉप हो सकता है यहां से उठे, देन सपोर्ट ले, फिर ऊपर जाए। वैसे तो अभी लग नहीं रहा कि सपोर्ट लेने आ सकता है, क्योंकि इसी लाइन का इसने ब्रेकआउट दिया। देन आप इसमें ₹470 से ₹75 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें एंट्री ले सकते हैं और काफी अच्छे रिटर्न बना सकते हैं। अभी काफी अच्छे रिटर्न इस स्टॉक ने दिए, जैसा कि मैंने आपको बताया 75% रिटर्न काफी होता है, जो एक हर एक इन्वेस्टर का सपना होता है कि मुझे इतना रिटर्न मिले। इतना रिटर्न हर कोई पहचान नहीं पाता, जैसे ज्यादातर इन्वेस्टर को 10% 20% रिटर्न मिला होगा वो तभी इस शेयर से निकल गया होगा। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि जब तक नुकसान हुआ, अगर वही कंडीशन स्थिति होती कि यहाँ से यहाँ खरीदारी होती और स्टॉक अगर यहाँ भी चला गया होता तब भी आप उसमें बने रहते हैं कि आज बढ़ेगा, आज बढ़ेगा, इस सपने के साथ। लेकिन वो बढ़ता नहीं है, जो लेवल अपने तोड़ देता है फिर नहीं बढ़ता है। और अभी क्या है, जो जिसने जैसे यहां से जिसने यहां खरीद रखा हुआ, जैसे वो यहां आया हुआ, वो तुरंत निकल गया। यहां तो बहुत बड़ी बात है, दो कैंडल बहुत बड़ी चीज है। अगर मैं दिखाऊं, ये वाली जो रिटर्न था, ये वाला लगभग 21%, इसे भी झेल नहीं पाया होगा। तो आदमी यहाँ जल्दी निकल जाता है जब प्रॉफिट होता है। तो अभी मेरी स्थिति क्या कहना है कि यहाँ स्टॉप लॉस लेकर के एंट्री ले और देन रिटर्न ले, अच्छे रिटर्न मिलेंगे, कंपनी अच्छी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करते हैं। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी और टॉपिक पर तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।